वेल, आई एम अमित हिंडोचा। मैं इस वेब सीरीज़ का प्रोड्यूसर हूँ, साथ ही में मैं भोजपुरी रीजनल मूवीज़ भी बनाता हूँ। दो फिल्में मैंने बना चुका हूँ, एक रिलीज़ हो चुकी है और आज ये फोटोशूट हो रहा है। ये सारा टीम वर्क देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम ऑलवेज अ बिलीवर दैट डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, और इस टीम की कैप्टनसी विट्ठल वेतुरकर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है। साथ ही में ये दो लोग अमित जोलावत जी और राहुल जैन, ये मतलब इन्होंने जो तड़का लगाया है अपने परफॉर्मेंस से, तो आई थिंक वी हैव डन आवर बेस्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज बिटवीन द पब्लिक, उनके रिव्यूज़ कैसे आते हैं उसका इंतज़ार है। वेरी सून वी आर गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग और बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज होने जा रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस मेरी वेब सीरीज देख लो, मेरा व्यूवर्स इसके बारे में बताएंगे, मैं क्या बताऊँगा। एज अ डायरेक्टर मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरा भी आर्टिस्ट थीम एक अपने जो वेब सीरीज का जो थीम है वही है कि एक मतलब एक घर में कुछ मर्डर हुआ है, 5 मर्डर, इसका कुछ मिल नहीं रहा है। दो सस्पेक्ट्स है इसमें, 4 सस्पेक्ट्स है, मर्डर मिस्ट्री है, तो उसी के ऊपर एक डिपेंडेबल है। सर, आपका परिचय, आपका नाम और अभी जो फोटोशूट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राहुल जैन है और मैंने ऑलरेडी अपनी 2-3 हिंदी मूवीज़ और तेलुगु मूवीज़ की हुई एज अ लीड। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस मूवी, इस सीरीज़ की जब मैंने सुनी स्टोरी तो कुछ अलग था इसमें, ऑब्वियसली सस्पेंस था। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ में इससे अच्छा काम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया। उसकी जो स्टोरी है वो आउट एंड आउट बिल्कुल अलग स्टोरी, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं, और जो है नहीं वही चीज़ है, तब आप सोचना है क्या। बहुत बढ़िया सर। सर, आपका परिचय, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित जोलावत है। मैंने काफ़ी काम किया है एड्स में, टेलीविजन में। अभी मेरी एक बहुत बड़ी सीरीज स्टार प्रभा और डिज्नी हॉटस्टार पे है, जिसका नाम लक्ष्य है। और उसके अलावा हिंदी टेलीविज़न में मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है। विट्ठल मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा। हमने इसके पहले 3 एसोसिएशन हमारे साथ में रहे हैं, एक फिल्म रही है माहिरू, उसके अलावा 2 म्यूज़िक एल्बम्स रहे हैं, और सभी कुछ बहुत सक्सेसफुल रहा है। सो नाउ इट्स लाइक एक हर किसी को लाइफ में ऊपर आने के लिए इन दिस इंडस्ट्री यू नीड अ टीम, सो समवेयर दिस इज़ माई टीम। और मैं विट्ठल को कभी मना नहीं करता। जैसे राहुल ने कहा कि ये सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही एंगेजिंग है, हम खुद पढ़ के बहुत सरप्राइज हुए थे कि ये ट्विस्ट है। सो हमारे लिए परफॉर्म करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई एम श्योर कि इसके जो भी एपिसोड्स हैं वो जो भी एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और वो देख कर सभी को बहुत अच्छा लगेगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सीज़न 2। जरूर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं इसमें, वैसे देखा जाए तो सभी लीड रोल्स हैं,
तो उसमें कल्याण जी जाना ने बहुत अच्छा काम किया है इस सीरीज में. सो कल्याण जी ने इतना अच्छा काम किया कि उनको पोस्टर पे रखा गया इस सीरीज में. एंड राज कापसे जी को हम लोग सभी लोग काफ़ी सालों से देख रहे हैं. राज जी ने बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स किए हैं फिल्म्स में, टेलीविजन में, एड्स में. एंड हमारा सौभाग्य है कि लास्ट मोमेंट उन्होंने अग्री किया ये करने के लिए. एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस सीरीज. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज जी एंड कल्याण आपको. मेरा नाम राजा कापसे है और जैसा कि बताए लोगों ने काम करता रहा हूँ काफ़ी समय से. ये जो कहानी है ये इत्तेफाकन प्रभु की कृपा कहूँगा कि ये कहानी मुझे मिली, ये रोल करने को मिला. विठल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं थिएटर के समय के. तो पहले सिर्फ थिएटर करते थे, एक प्ले बहुत अच्छा हमने किया, परीक्षित सहनी, टॉमल टरे ये सब लोग थे उसमें, हानुष. उसके बाद फिर अभी मिले और एक कहानी मर्डर मिस्ट्री कहूँगा इसको, कि कहानी कई चीज़ों से होती है, कॉमेडी ये वो करते करते किस तरह से मर्डर ना चाहते हुए भी मर्डर हो जाते हैं और करते करते कहानी क्या मोड़ लेती है. ये तो मैं कहूँगा कि जैसे कि सर ने कहा कि देखने के बाद आप लोग ही डिसाइड करें कि क्या है. हमारी तरफ से तो हमने बेस्ट दिया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जी जान डाल दी है इसमें. तो वैसे तो काफ़ी वेब सीरीज है, एक अपहरण करके आए सीरीज है, बालाजी ऑल्ट की नंबर वन सीरीज है वो की है मैंने. पहला सीजन टू भी किया है, वो भी रिलीज होगा. एक सीरियल चल रहा है स्टार प्लस पे पांड्या स्टोर, वो भी इस वक्त अच्छा चल रहा है. और प्रभु की कृपा से ये सीरीज है, हम सब के प्रयासों से, आप सबकी दुआओं कृपा से ये भी आगे आए, नंबर वन बने. इसके लिए एक बार बोलेंगे राधे राधे बिहारी लाल जी की जय. राधे राधे. जी क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, थैंक यू सो मच. मैं ऐसे पांच यहाँ पे नाम है जो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ उन्होंने सीखने मिला उनसे. एक पहला है मेरे गुरु समान डायरेक्टर जो विठल साहब, मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे चुना, काबिल समझा, मुझे काम दिया. एंड सेकंड प्रोड्यूसर जो अमित जी, जिन्होंने मुझे भरोसा किया है, नहीं आप कल्याण जी को लो, एंड थैंक यू सो मच सर. एंड दो ऐसे स्टार है मेरे, हमारी इस फिल्म के तीन स्टार जो जिनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और आज मुझे बहुत सारे काम मिल रहे हैं. जैसा अमित, दो अमित है हमारे स्टार साथ, एक अमित प्रोड्यूसर, एक अमित जो मराठी के सुपर स्टार है, तो उनसे मुझे बहुत कुछ मिले, मुझे सीखने मिला. द सेकेंड था आप हिंदी के और तमिल के ऐसे सुपरस्टार हैं राहुल जी, जिनसे ही मुझे बहुत कुछ मुझे सीखने मिला. थर्ड मेरा राजा कापसे साहब, इतनी अच्छे कॉमेडियन है, मैं इनसे मैंने चार पांच कॉमेडी के पंच मैंने सीखा है, क्योंकि साथ में हम लोग सोया करते थे, मतलब शूटिंग में. एंड थैंक यू सो मच मेरे मेकअप का, एक रूम में थे, एक रूम में दोनों बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया जी, कुछ नहीं किया समझ आओ तो. एंड सेकंड मेरा जो यहाँ पर जो मेकअप दा है बहुत अच्छा, हमारे ड्रेस मैन जो है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को साथ दिया है, ड्रेस अच्छे से हमें पहनाया, मेकअप दा. यहाँ पे जितने भी लोग जो सपोर्ट किया हमने, ये क्रू जो हमारा जो मेंबर है, इसीलिए जो क्रू का, इसलिए हमारा फिल्म का नाम है द क्रू. तो हमारे क्रू इतना अच्छा है. और वैसे आप लोग देखें जिस तरीके से मुझे आप लोग मोहब्बत करते हो, गरीबों के एक्टर से आप लोग जानते हैं, इस तरीके से द क्लू को आप लोग देखें, आप लोग आशीर्वाद दें और आप लोगों के आशीर्वाद से हम कुछ बन सकते हैं. फिल्म बहुत हमने मेहनत किया, इस वेब सीरीज में बहुत मेहनत किया हम लोगों ने. हर एक स्टार, हर एक लोग, चाहे स्पोर्ट बॉय हो, चाहे खाना दादा हो, चाहे वो प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो है, सभी ने बहुत ही मेहनत की है. हमारे पुरजा साहब कहाँ से वो आते थे वो शूटिंग पे, तो हर लोगों ने मेहनत किया है. विठल साहब तो सोते ही नहीं था, वो रात को बोलते थे कल्याण जी ये सीन है, मतलब दो घंटे का नींद वो करते थे. तो सभी ने मेहनत किया, खाली एक ही बोलना है, प्लीज़ 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 एक बार सिर्फ, जब भी ये बहुत जल्द ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म में, एक अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये रिलीज़ होंगे, प्लीज़ आप लोग देखिए द क्लू को. थैंक यू सो मच, आप सभी को दिल से मेरा प्रणाम. कि इसकी जब शूटिंग हो रही थी तो कोरोना काल में से हम लोग जस्ट बाहर निकले थे, तो उस टाइम पे शूटिंग करे या ना करे बड़ा दुविधा में मन था. लेकिन कल्याण जी, इसने इनकरेज किया, इसने सारे प्रिकॉशंस लिए, डॉक्टर खड़ा रखा था, एम्बुलेंस खड़ा रखा था. सो डेफिनेटली कल्याण जी, यू डिजर्व कि आपके वजह से, आपके प्रिकॉशंस और मेहनत की वजह से ये शूटिंग पूरी हुई. एक बार तालियां कल्याण जी के लिए. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, मैं सर के प्रोडक्शन के साथ
मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए कंटिन्यू में। बहुत ही अच्छा स्टोरी, बहुत ही अच्छे आर्ट, हमारे सारे आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे, हमारे ब्रेक क्रू मेंबर्स सबके साथ मजा आता है काम करके। आप लोग एक बार देखो इसको। ये वेब सीरीज के क्लू के को प्रोड्यूसर है दर्शन जी, आप बोलिए। मैं एक्चुअली अमित जी की कंपनी से आता हूँ मैं, और वो मेरे बड़े भाई हैं अमित जी। तो मैंने जब ये स्टोरी आया था जब हमारे पास, तो स्टोरी दैट ब्लोन माय माइंड, मतलब वो स्टोरी इतना मेरा माइंड ब्लो कर दिया उसने, तो आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। तो अमित जी को मैंने फोर्स किया कि सर मुझे इसकी शूटिंग पर मैं जा रहा हूँ और मुझे ये अपने हिसाब से शूट करवाना है। तो अमित जी गेव मी दैट लिबर्टी, और फिर मैं विट्ठल सर के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करते थे, हम लोग पूरी रात बात करते थे उसके बारे में, और फिर ऑल द वे मैं पूरे शूट में विट्ठल सर के साथ ही रहता था। दैट इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट। थैंक यू सर। परिचय दे। मैं इस पिक्चर का ड्रेसमैन हूँ प्लस एक्टर भी हूँ इसमें। पिक्चर में सर ने मुझे चांस दिए उसमें एक्टिंग के लिए, और मैंने एक्टिंग करके इनका दिल भी खुश किया हूँ। सर आप खुश? अभी ये ड्रेसमैन नहीं रहा, ये मेरा कॉस्ट्यूम असिस्टेंट बन गया है। प्लस ये नेक्स्ट वही वेब सीरीज जो आ रही है उसके अंदर ये मेन कैरेक्टर रोल कर रहा है। इसकी एक्टिंग बहुत प्यारी और शानदार थी, जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिया है, मतलब डिसीजन लिया है इसके। इज अ वेरी गुड एक्टर, इज अ वेरी गुड एक्टर। एक्चुअली दो सीन दिए लेकिन ऐसे दिए कि इसको अभी मैंने नेक्स्ट इसमें ड्रेसमैन से हटा के मेरा असिस्टेंट बनाया, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट बनाया, प्लस इसको मैं उसमें कैरेक्टर रोल दे रहा हूँ मेरे नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग चाहते हैं ये पिक्चर अच्छी, हमारी जो डार्क ब्लू बनी है बहुत मेहनत की है इस पिक्चर में, हमारे सर ने डे नाइट बेचारे बहुत मेहनत की है, सोए नहीं, आराम नहीं किए। बस हम ये चाहते हैं कि पिक्चर क्लिक हो जाए अच्छे से और अच्छी पब्लिसिटी हो पिक्चर की, और सर को आगे से आगे काम मिले। थैंक यू। और हम इनके साथ जुड़े रहे हमेशा। बस हो गया, हो गया सर, शुभेच्छा और कुछ नहीं। शुभेच्छा, शुभेच्छा जी। रोल विनू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बड़े भाई कल्याण जाने के लिए बहुत खुश हूँ, और डायरेक्टर विट्ठल सर जी के लिए बहुत बड़ी खुशी का ये दिन है, जो द क्लू जिनका जो सीरीज आ रहा है, मूवी आ रहा है, उनको मैं बहुत दिल से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सक्सेस हो और बहुत हिट जाए, इसलिए मैं इनको थैंक यू सो मच। लॉकडाउन के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं विट्ठल सर और कल्याण जी जाना, उसमें एज आर्टिस्ट हैं, तो मैं इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हिट हो और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट करें साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बधाई।